हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है लोरी, इसीलिए देखो यहाँ, हाँ लोरी, लोरी। इसीलिए तो यहाँ पे पूरे मतलब ढोल नगाड़े वाले आए हुए हैं, गलियों वलियों में घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ आएंगे तो हम भी नाच लेंगे थोड़ा बहुत, और शाम को थोड़ा आग जलाएंगे और उसमें बैठेंगे सभी के सभी। नहीं, उसके चारों ओर, उसमें आग में नहीं, उसके चारों ओर। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। फिलहाल और ये कुछ चाहिए, ये रस्सी जो कि ऊपर लटकी हुई है, तो देखना कैसे कूदेगा इसको पाने के लिए। या ओ, तूने इसको पकड़ लिया तो तेरे को 1 मिल को बंदेंगे भाई। पकड़ लियो। तो पार्किंग के लिए हमारा गेट आ चुका है। देखो ये मतलब ये पूरा नहीं है, ऐसे ऐसे दो पीस है, एक पीस ये, एक पीस ये, तो पूरी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी अंदर। अब ये सारा सामान यहाँ से उठाना है और ये गेट लगेगा यहाँ। मूली के पत्ते चुभते हैं क्या, कैसे उखाड़ूं? जमा हुआ है नीचे अच्छे से, ये रहा। तो ये मूली है, खा ले। अबे ये क्या था? क्या मूली अंदर रहेगी क्या? देखना कितनी बड़ी मूली निकली है। क्या यार, ये मूली है क्या है? मूली के बच्चे हैं। ऑर्गेनिक हरी सब्जी का जुगाड़ करते हुए मम्मी जी एंड चाचा जी इतना फोड़ भी दिया। अभी हमने चार दीवारी की थी, अगर पता होता तो करते ही ना, सीधा गेट ही लगा देते। अब फोड़ना पड़ रहा है। पापा जी ने देखो एक एक ईंट बिल्कुल अच्छे से बचाई है, इनको यूज कर पाएंगे। ये काम मेरे से तो नहीं होगा, पापा जी को आता भी है ना ये काम। यहाँ से इतना एरिया में निकालने ताकि गेट आ जाए बस। जब तक गेहूँ डाले हैं तो उसके साथ मत छेड़ो, उसको क्यों छेड़ रहे हो? सारे देख यहाँ गेहूँ वहाँ गेहूँ दौड़ रहे हो, उसकी कोई गलती है? उसको अकल है क्या? तो गाइस पीयूष की वजह से सारे गेहूँ गिर चुके हैं, और एक साथ खेल रहा था और यहाँ पैर रख दिया। वहाँ से झाड़ू लेके एक जगह इकट्ठा कर फिर डाल पूरा, एक एक दाना उड़ जाना चाहिए। जब तक यहाँ गेहूँ सूखते हैं ना, तब तक ये ओरियो के पीछे बिल्कुल मत लग तू, वो जहाँ बैठा है उसको बैठने दिया कर आराम से। एंड मम्मी जी सब्जी लाई थी, उसको अभी काट रही है, हरी सब्जी जो कि रात को बनेगी। कल जब मैं बड़ा वाला कुरियर लेके आया था वो मैंने अनबॉक्स कर लिया है, जो कि ये रखा देखो, इसके अंदर ये पेपर्स हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने आर्ट वाले चैनल के लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आर्ट मटेरियल है ना। अच्छा ओरियो है, ओली घूमने जाएगी लड़की। तो अब हम जा रहे हैं ओरियो घुमाने के लिए बाइक में। पीयूष नहीं जाएगा बिकॉज पीयूष लास्ट टाइम गया था ना तो रोने लग गया था, इसलिए हम सोचा चलो साहिल और मैं ही जाएंगे, बिकॉज ओरियो को सिर्फ साहिल ही पकड़ सकता है पीछे से। बाकी एक बार प्लाट में देख के आते हैं कितना काम हुआ है। ले ओरियो को भी ले। अच्छा खोल दिया पूरा, अरे इतने में तो आराम से आएगी गाड़ी। पापा जी ने अपनी मेन वर्किंग वाली टोपी डाल ली है। देखो गाइस सीन ऐसा है, मम्मी जी पापा जी की बहस हो रही है कि तुम काम क्यों कर रहे हो, तुमने मतलब मजदूर क्यों नहीं लगाया इस चक्कर में। नहीं क्या हो गया, 2-3 घंटे का तो काम है, कर लेंगे तो थोड़े बहुत हाथ पैर खुल जाएंगे। अबे कौन चीख रहा है, मेरे को आता तो मैं भी कर लेता, इसमें क्या है। घूमने आपको, बैठो फिर तो मैं बिठाता हूँ। ओए ओए ओरी ओए, क्या क्यों ना बैठ, पकड़ लेना अच्छे से, इसको पकड़ लो या फिर मेरे को पकड़ लेना, नहीं गिरेगी यार, पकड़ लेना मेरे को, पकड़ लेना। मैं भी नहीं आऊंगा, डालने भी? हाँ डाल दो, डाल दो। गुस्सा हो रहा है? अरे कुछ, अरे कुछ नहीं करता यार। भाई स्वभाव, कितनी मेहनत। चलो फाइनली 20 मिनट तो अपने यहीं वेस्ट हो गए इसको कपड़े डालने में, जो मेहनत लगी ना। तो गाइस बाइक में मेरे को आज फिर से हवा कम लग रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। ठीक है हवा और ये ठीक है। गोद में उठा ले, लोग बोलेंगे कहाँ ले आ रहे हो, अंदर जाके चाहे नीचे रख दियो, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता ना, क्यों ले जा रहे हो। कोई अगर पूछेगा कि क्यों ले जा रहे हो तो कह देंगे हम तो गोद में रखेंगे भाई। भाई भाई उठा ले उठा ले उठा ले, छोटा है मगर खोटा है। हाँ हाँ देखते हो आप, हाँ ये ओरियो है, नहीं काटता नहीं काटता। अरे भाई चुप हो जा, अरे भाई छोटा सा है। एक और सब्सक्राइबर में, क्या नाम है आपका? जतिन ब्लॉग है, सारे मेरे दोस्त देखेंगे। ओए ओए एक्साइटेड जाता है ये, कैसे खेल रहा है यार, इसलिए तो मैं लेके आया इसको। इसको हो क्या गया है? ओए ओरी क्या हो गया तेरे को? 2 सब्सक्राइबर और मिल गए,
क्या नाम आपका? देव वंश मलिक। पीयूष के बारे में पूछ रहे, लेकिन कि बाइक पे तो दो ही जने आ सकते हैं ना, तभी तो कह रहा हूँ ओरियो को लाना था मेन, तो ये घर पे बोर हो गया था। ओरियो डर रहा है, वाह फट्टू है ये, हमेशा ऐसी करता है ये, अपने छोटे कुत्ते से डरता, देख वो खेलने की कोशिश कर रहा है। एक बार सारे हट जाओ इसको खेलने दो। सारे पीयूष 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 लगा रखी है, पीयूष को मैं लेके आऊंगा, चलो ठीक है। चलते हैं फिर अभी हम, बाय बाय। अभी अंधेरा होने वाला है और नेक्स्ट टाइम पीयूष को लेके आऊंगा, सारे पीयूष की डिमांड कर रहे हैं, चले फिर ठीक है, बाय। हाँ अच्छा हाँ, फोटो फोटो तो रहेगी, साथ ही साथ चल रहे, तो छोड़ के आओगे क्या मुझे? हैं अब क्या कहते हो, और ये आपके ये सौदा आगे हैं? हाँ सौदा आगे हैं, अब नहीं कह सकता, अब तो मेरे साथ ही है वो। हाँ अरे मैंने बुक भी कर दी थी i20, फिर सोचा छोटी होगी फैमिली के लिए। अभी अभी देखो जैसे हम आए हैं, हम सिर्फ दो ही जने आ पाए, अब गाड़ी आएगी तो फिर सारे आ जाएंगे, पूरी फैमिली आ जाएंगे साथ में, उसमें मर्जी है कोई आओ ना आओ। हाँ कैसा लगा भाई? इसको तो आज इतना मजा आ गया, पीछे सब्सक्राइबर मिला था एक, तो उसके हाथ में ऐसे खेल रहा भाई, अपने अपने साथ भी नहीं खेलता ऐसे। और हाँ तेरी इतनी डिमांड हो रही थी वहाँ पे, पीयूष कहाँ है, सारे पूछ रहे पीयूष कहाँ है, पीयूष कहाँ है, तूने मिस कर दिया। बाय द वे पीयूष यहाँ पे होमवर्क करते हुए नहीं, अभी गेम खेल रहा था, नहीं गाइज नहीं कर रहा होमवर्क, गेम खेल रहा था, नहीं कर रहा। बाय द वे और ये सो चुका है यहाँ पे देखो, बाय द वे आज है लोहड़ी, तो आज हम आग जलाएंगे और उसमें सब बैठेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे और मूंगफली खाएंगे और रेवड़ी खाएंगे, गज्जक खाएंगे और क्या खाएंगे, और हाथ फेंकेंगे हम, और हाथ फेंकेंगे और क्या करेंगे, पीयूष की करेंगे और बताओ। तो अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं, आग हमने जला ली है और खाने पीने के लिए पॉपकॉर्न है हमारे पास कुछ इतने, और कुछ मूंगफली है, गज्जक है और रेवड़ी है, पूरी फैमिली साथ में बैठेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, बेइज्जती करेंगे। ये इसमें तो कॉपीराइट भी नहीं आएगा। ओरियो भी खा रहा है पॉपकॉर्न साथ में। तो गाइज आज तो लिटरली इतना मजा आ गया ना डांस करके पूरी फैमिली के साथ में, मतलब फैमिली टाइम तो बेस्ट टाइम ही होता है, तो मतलब सबने नाच दिया आज, तो मजा आ गया यार, बेस्ट लोरी कह सकते हैं। बाकी वीडियो में थोड़ा बहुत ही दिखाया, कॉपीराइट पड़ जाता है। हाँ कॉपी पड़ जाता है और कॉपीराइट पड़ जाता है। तो अभी हम डिनर करेंगे, यहाँ पे खाना पीना आ चुका है, दाल रोटी बनाई मम्मी जी ने, दाल और रोटी खाएंगे यहीं बैठ के आग के पास में ही। तो फिलहाल गाइज हम डिनर करेंगे, इस व्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।